नमस्कार। पहले तो निरंजन और किसान टीम को मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैं उनका आभारी हूँ, और अपने जो शेतकारी बंधु हैं यहाँ पे उनको उनसे मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो अभी मैं इधर इसलिए आया हूँ ताकि हम ज़्यादा चर्चा करें। मेरे बारे में ज़्यादा सुनना, कंपनी के बारे में ज़्यादा सुनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी से जो हमारा टॉपिक है एसेट लाइट फार्मिंग, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कंपनी के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। मुझे यहाँ बुलाया गया है ताकि मैं बात करूँ कि एसिड लाइट फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है कि शेतकारी ऐसा तो है नहीं कि जो खर्चे अपने कम कर देगा। सीजन आफ्टर सीजन खर्चे बढ़े जा रहे हैं, कई मोटे खर्चे हैं जैसे कि मशीनें, और कई हर साल के खर्चे हैं, हर सीजन के खर्चे हैं, वो है पेस्टिसाइड, फंजिसाइड, सीड्स, दवाई, उत्पादन। वो चीज़ें, वो सोल्यूशन लाने के लिए मोनसांटो, सिंजेंटा, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां आ गई हैं। मशीनों के लिए अभी मुझे जो लगता है जो हमारे मोटे खर्चे हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। और उनको कम करने की ज़रूरत की कारण से ही मित्रा और विक्रम जी की जो कंपनी है जमींदारा फार्म सॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें कर सकती हैं। और वही दो तीन आइडिया हैं हमारे पास जो हम जिसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। एक मेरे ख्याल से कि हमारा फोकस हॉर्टिकल्चर है, फील्ड क्रॉप्स में न्यू हॉलैंड जैसी कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट ला रही हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर में हमने देखा है कि शेतकारी बहुत आगे बढ़ रहा है, उसका माल एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है, और उसके पास मशीनें कम हैं, सारी मशीनें बाहर मिलती हैं, इंडिया में बहुत कम मशीनें बन रही हैं। और उसके बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि ग्लोबल R&D करना एक कंपनी के लिए, देखना कि ये नहीं कि बाहर ये मशीन मिलती है और उसको यहाँ पे लाना है और जैसे वो बनी बनाई है उनको आगे देना है, वैसा नहीं, उसको अडेप्ट करना है इंडियन कंडीशंस के लिए, वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर से बात करना कि अपने इंडियन शेतकारी को क्या चाहिए, फार्म का साइज़ क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, तापमान क्या है, उसके हिसाब से मशीनें बनाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मित्रा और कंपनियाँ ऐसे काम कर रही हैं जो हम मशीनें इम्पोर्ट कर रहे हैं और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का निगोशिएट करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आपके पास लेके आ रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। इसमें कंपनी अच्छे प्रोडक्ट ला सकती है, लेकिन जो शेतकारी को करना है वो है कि सोच समझ के मशीनें खरीदनी है। हमारा एक एक्सपीरियंस था द्राक्ष में, स्प्रेयर्स की अगर आप बात करें तो अमेरिका से एक मशीन आई 15 लाख रुपए की और लोगों ने उसका धंधा शुरू किया। 15 लाख रुपए के लोग स्प्रेयर, 50 स्प्रेयर बिक गए क्योंकि लोग सोचे थे कि उससे उनका काम अच्छा लग जाएगा। लेकिन अगले सीजन में पता लगा कि इटली में लो वॉल्यूम टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों ने बात की है, वो टेक्नोलॉजी 5 लाख में, 4 लाख में वही काम निकाल सकती है जो कि एक 15 लाख का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर कर सकता है। तो हमें शेतकारी को सिर्फ बाहर की सुननी नहीं है, अपने हिसाब से जो हमारा जिस चीज़ से काम निकल सकता है वो मशीन लेने की है। थोड़ा सोच से काम करना है, सिर्फ फॉलोइंग से काम नहीं करना है, थिंकिंग नॉट फॉलोइंग। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो कंपनीज कर सकती हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, और जैसे अभी रुपये की कंडीशन है उसके हिसाब से इंपोर्ट जितना कम करें उतना बेटर है, लेकिन ज़्यादा असेंबली R&D इंडिया में हो। अगर मशीन बाहर भी मिलती है उसको हम, इंडिया ऐसी ही कंट्री है जहाँ पे 90% कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब कंपनीज की ज़रूरत है कि वो कंपोनेंट लेके अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, अच्छी R&D करें, अच्छी डिज़ाइन करें, उन प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाएं। तो अच्छी जो कंपनीज हैं जो एसिड लाइट फार्मिंग करेंगी वो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएंगी जो इंडिया में असेंबल हो सकती है, उसकी कॉस्ट 30 से लेके 50% कम हो सकती है अपने शेतकारी के लिए। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक बैंगलोर के बिजनेसमैन है, उन्होंने चाइनीज़ प्रीमियर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने बोला कि चाइना में अच्छे रोड हैं, अच्छी बिल्डिंग है, लोग चाइना हमसे 10 साल आगे है, लेकिन एक अंतर है चाइना और इंडिया में कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जो अपना धंधा करना चाहते हैं, जिनको हम धंधा वाला कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो जो स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, उसको इस सिस्टम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को इनकरेज करना कि वो अपना धंधा करें, ये
हमारी भी ड्यूटी है कंपनी की तरफ से और शेतकारियों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा थर्ड पॉइंट है, ये सप्लाइंग टू लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो अपने धंधे वाले हैं, जो शेतकारी को सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे किसान हों, बड़े किसान हों, डीलर हों, पेस्टिसाइड के डीलर हों, डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे सिर्फ एरिया में रहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, उनको सप्लाई करना, उनके थ्रू शेतकारी को सर्विस देना ताकि शेतकारी मशीन ना खरीदे, सिर्फ रेंटल पे ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनीज को उस तरह से काम करना है, विक्रम भी इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी कारण से मित्रा और दूसरी कंपनीज एक एंटरप्रेन्योरियल क्लब शुरू कर रही है, जहां पे हम इनको अपने नेटवर्क में लें, इनको मशीन का पूरा पोर्टफोलियो दें, सिर्फ एक मशीन नहीं, उसको चलाना सिखाएं, किस तरीके से चलाना है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, उसको फाइनेंसिंग सोल्यूशन दें। तो फाइनेंस, मशीन और ज्ञान, इन तीनों से एसिड लाइट फार्मिंग हो सकती है, उसके बिना नहीं होगी। एग्रोनॉमिक सपोर्ट भी उसमें ज्ञान जिस मैं बोल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मित्रा और अलग कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को और शेतकारी को सपोर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप कि मशीन कैसे यूज करनी है, किस टाइम पे यूज करनी है। और लास्ट, अगर कोई धंधा वाला हमारे साथ जुड़ना चाहता है और मशीन खरीदना चाहता है, उसको सपोर्ट और सर्विस की जरूरत है। अगर उसकी मशीन टूट जाती है और सीजन चल रहा है, उसको 20-30 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसको स्पेयर्स देना, उसकी सर्विस करना, उसके मशीन को अच्छे स्पेयर पार्ट्स और अटैचमेंट्स ला के देना ताकि वो और इनोवेट कर सके, मित्र ऐसी कंपनी ऐसे काम कर सकती है। तो मैं बोलूँगा कि हम मित्रा जैसी कंपनी और अलग बड़े मैन्युफैक्चरर में ये फ़र्क है कि हम थोड़ा एसेट लाइट फार्मिंग, जहाँ हम प्रोडक्ट और सोल्यूशन एक साथ मिला के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को यूज़ करके शेतकारी के लिए सोल्यूशन ला सकते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छी मशीन, अच्छा धंधा वाला, अच्छा एंटरप्रेन्योर और शेतकारी जो प्रैक्टिकल हो, सिर्फ 15 लाख की मशीन के बारे पीछे मत जाए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचे। अब मैं ये सब चीज़ें बोलूंगा, बोली है मैंने, ये कॉन्टेक्स्ट में तभी आएंगी जब मैं थोड़ा अपनी मशीनों के बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हमारा हॉर्टिकल्चर पे फोकस है, ये एक कारण से फोकस है क्योंकि हमें लगता है कि हॉर्टिकल्चर में जो शेतकारी अभी हैं, जो द्राक्ष, दालिम, संतरा, आम, एप्पल, बड़ी चीज़ों में काम कर रहे हैं, उनको अभी मशीनों की ज़रूरत है और वैसी मशीनें इंडिया में नहीं मिलती। हॉर्टिकल्चर एक बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन है, ऑल द वे फ्रॉम सोइंग, वीडिंग, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, हर चीज़ में लेबर की शॉर्टेज काफ़ी है और लेबर की यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया है, स्प्रेइंग, फवारनी जिसको हम कहते हैं, मल्चिंग, वीडिंग, डस्टिंग और प्रूनिंग जिसको हम छाटनी कहते हैं। बाकी लोगों के, बाकी चीज़ों के मेरे को हिंदी के शब्द नहीं मालूम, आप लोगों को ज़्यादा पता है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी हैं, इन पे हमने इनको इम्पोर्ट करना शुरू किया है, इन पे हमने R&D भी शुरू की है, इनको सप्लाई भी करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, सांगली, सोलापुर, पूना, नासिक, अहमदनगर, यहाँ पे हमारी डीलरशिप्स चालू हो रही हैं। तो इसके बारे में और चर्चा करना चाहता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आए हुए हैं, जो मशीन खरीदना चाहते हैं धंधे के लिए या मशीन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जितना और जो शेतकारी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं इसके बारे में, मैं बाद में उनके साथ चर्चा भी कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये इस तरीके से हम लाए हैं कि लेबर का जो लोड शेतकारी पर पड़ रहा है वो कम हो जाए और जो माल है वो क्वालिटी के हिसाब से बने। जैसे अगर स्प्रेइंग को आप देखते हैं, स्प्रेइंग में यूनिफॉर्मिटी और कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग में 5,000 रुपये पर एकड़ का कॉस्ट लग रहा है शेतकारी को, उसको कम करना हमारा काम है। थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूं। मैंने जैसे बोला हॉर्टिकल्चर हमारा फोकस है, लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना मित्रा और बाकी कंपनियों का यही फोकस है, एसिड लाइट फार्मिंग को सपोर्ट करना। और कॉस्ट सेविंग एक चीज है कि लेबर का खर्चा कम हो, दूसरा क्वालिटी, आपका माल काफी एक्सपोर्ट होता है, उसको जब भी एक्सपोर्टर्स आपसे माल लेते हैं उसमें आप एक तो पेस्टिसाइड का मटीरियल, रेजिड्यू लेवल, यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीजें देखते हैं। इन सारे कारण की वजह से मशीन अडॉप्शन बहुत बहुत इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बलजीत सिंह ने इसके बारे में बात भी की है। मैकेनाइजेशन जो अभी 1% पे है उसको बढ़ना ही है
और जितना हम एक साथ उसके बारे में काम करें उतना इंपॉर्टेंट है, उतना उतना अच्छा होगा। कंपनी के बारे में मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, आधी लाइफ मैंने दिल्ली में बिताई, आधी लाइफ मैंने अमेरिका में बिताई है। मैं वापस आया 2-3 साल पहले, एक कंपनी शुरू करी। मैंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टिंग की है, थोड़ा मेरे को ग्लोबल नॉलेज है साउथ अमेरिका में, यूरोप में, अमेरिका में कहाँ कहाँ कैसी कैसी कंपनीज बड़ी हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, तो वो नॉलेज मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। और अभी ये हमने मित्रा में से ये हमने काम शुरू किया है। मेरे साथ पंकज द्विवेदी हैं जो डाओ एग्रोसाइंसेज में 7 साल से काम कर रहे थे, वो सेल्स भी कर रहे हैं, एग्रोनॉमी भी करते हैं, शेतकारियों से बात करते हैं, अपने डीलर से बात करते हैं। वो आज आ नहीं सके क्योंकि वो नासिक में है, लेकिन वो ये और अविनाश जो मॉन्सांटो में काम करते थे, उनका भी 4-5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है और एग्रोनॉमी का एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी कोर मैनेजमेंट टीम है। अब हम क्या करते हैं, हम मशीनें लाते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है R&D, जिसके बारे में मैंने बात किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन क्वालिटी। तो उसके लिए हमने टीम खड़ी की है। उसमें शुरू में एक नरेंद्र चारी हैं जो 25 साल से मशीन की R&D कर रहे हैं, नितिन वाघ हैं जो हमारे प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, और आलोक वर्मा जो हमारे एडवाइजर हैं, और वो इस टीम को मैनेज करते हैं हमारे साथ मिलके, ताकि हम जो भी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं चाहे बाहर से आए, उनको हम इंडिया में असेंबल करें, उनको हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकें, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकें। ये जो नेक्स्ट 4 PM का अपना टॉपिक है, मैं उसी टाइम पे कवर करूं कि कैन आई जस्ट फिनिश इट नाउ? ओके श्योर। या हमने बस ये मैं एक चीज बोलूंगा कि जितना हम मिलके काम करें उतना बेटर है। अभी विक्रम का जो मॉडल है जमींदार ऑफ आर्म सॉल्यूशंस, बलजीत सिंह के जो अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं न्यू हॉलैंड के थ्रू, अभी हमारी 1% मैकेनाइजेशन हुई है। जल्दी से जल्दी हमें मशीनें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसलिए टीम जो शेतकारी, एंटरप्रेन्योर और कंपनीज जितना मिलके जल्दी से जल्दी मैकेनाइजेशन अडॉप्ट करें, वो उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा होगा। जिसके इसके बारे में जितनी चर्चा करें हम कम है। तो कोई क्वेश्चंस हो बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।